सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश की नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देख सकते हो जिहड़े भी नागरिक लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान फसे सी उन्होंने अपने हुण सूबे वाल रवाना किया जा रहा है। तुम दस दिए जिन्नी भी नेबरिंग स्टेट्स ने पंजाब दियां उन्होंने जिहड़े नागरिक ने उन्होंने अपने अपने स्टेट्स वाल रवाना किया जा रहा है। तुम देख सकते हो जम्मू कश्मीर दियां जिहड़ियां बसेस ने उन्होंने जिहड़े जम्मू कश्मीर के लोग ने उन्होंने रवाना किया जा रहा। और दूजे पासे जिहड़े दूर दराज के इलाके ने स्टेट्स ने उन्हां दी अपील ते पंजाब सरकार वालों जिहड़े लोग ने होरना स्टेट्स से उन्होंने पंजाब अंदर ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। तुम दस दिए जिहड़े दूसरे स्टेट्स से सरकार ने उन्होंने पंजाब सरकार नूं एक अपील की सी जिहड़े उन्होंने स्टेट्स के वासी ने वसनीक ने उन्होंने पंजाब विच ही क्वारंटाइन किया जाए। तो उन्होंने अपील तो बाद पंजाब सरकार ने उन्होंने भी इतने ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है। तो उन्होंने जी रिपोर्ट आनी है पाँच दिन बाद रिपोर्ट आनी है। तो जेकर उन्होंने रिपोर्ट नैगेटिव आती है तो उन्होंने अपने अपने स्टेट्स वाल रवाना किया जाएगा। तो जेकर कि किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तुम दस दिए टोटल 748 नागरिक जड़े ने लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में फस गए सी तो उन्होंने हुण इत्थे आमद जिहड़ी है वो सुनिश्चित की गई है। जिन्हां विच 402 नागरिक जम्मू कश्मीर के ने 70 जिहड़े नागरिक ने वो गुजरात के ने 61 महाराष्ट्र के ने 46 यूपी के ने राजस्थान के 38 पंजाब के 36 नागरिक ने दिल्ली के 26 मध्य प्रदेश के 15 ते होरना जिहड़े कई स्टेट्स ने उन्हां दे भी नागरिक जिहड़े ने वो इत्थे पाकिस्तान च फसे हुए सी लॉकडाउन के दौरान। तो हुण करीब करीब 3 से 4 महीने का समा बीत चुका है। तो हुण जिहड़े ये नागरिक ने बीते कल भी जिहड़े अटारी वाघा सरहद राही भारत पहुँचे सीगे ते हुण अज फिर उन्हां दा इत्थे भारत पहुँचण दा सिलसिला जिहड़ा है वो लगातार जारी है। गलबात करांगे ASI अरुण पाल ने इत्थे मौजूद है उन्होंने गलबात करांगे और उन्होंने को सारी जानकारी लवेंगे। ASI अरुण पाल जी साडे नाल मौजूद ने उन्होंने गलबात करांगे। सर किन्ने नागरिक पाकिस्तान तो भारत आ रहे हैं? सर 25, 26 ते 27 तरीक दिती गई सी पाकिस्तान तो इंडिया जिहड़े अपने क्वारंटाइन अपने उधर लॉकडाउन के दौरान फस गए सी जिहदे विचों 25 तरीक नूं 204 परसन जिहड़े आ इंडियन इधर आ चुके आ। 46 बंदे किसी वजह करके नहीं आ सके। अज 26 तरीक आ अज फिर 250 बंदियां दा आउंदा टारगेट सी जिहड़े कि स्लोली आ रहे आ जिन्हां दा अंदर मैडिकल वास्ते सरकार पंजाब सरकार वालों बड़ा वधिया उपराला कीता हुआ। मैडिकल कस्टम ते इमीग्रेशन होने तो बाद पंजाब सरकार वालों भी बसां दा इंतजाम किया गया प्लस J&K तो अज 10 बसां फिर आईयां वा क्योंकि मोस्टली 402 बंदे जिहड़े आ ना इन्हां विचों रिलेटड हैगे आ जी J&K दे। अज 2 बसां असीं भर के नाल प्रोटैक्शन के तौर पर श्री विक्रमजीत सिंह दुग्गल IPS सीनियर कप्तान पुलिस अमृतसर दियाती वालों दिशा निर्देशों मुताबक एक पायलट लगा के उन्होंने पूरा सिक्योर करके अपना एरिया जिहड़ा लंघाया जाएगा। उस तो उपरंत SSP साहब बटाला गुरदासपुर ते पठानकोट होंदे उन्होंने J&K के बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा। किन्ने समय तो इतने फसे हुए सी और इन्नी लेट क्यों आ रहे हैं? काफ़ी समा हो गया हूँ दोपहर हो गई है सवेर दे आ रहे हैं तो इन्नी लेट क्यों हो गई और किन्नी देर समय फसे हुए सी? एक्चुअली सर क्वारंटाइन दौरान बड़ी थोड़ी मुश्किल आ रही है कोई शक्ल की गल नहीं गई क्योंकि जो प्रोसैस इंडिया के इमीग्रेसन कस्टम प्लस मैडिकल का वा यो सिस्टम उधर है। स्क्रीनिंग भी हो रही है? बिल्कुल जी स्क्रीनिंग हो रही है इधर भी उधर भी हुई है इधर भी हो रही है। उपरंत उस तो बाद 3-4 स्टैप है इन्हों वन बाई वन इधर लिया के इन्हों सारा इन्हों सिस्टमैटिकली दे के इन्हों पेपर वर्क पूरे करके चैक करके एक लिस्ट तैयार करके असं अपने तौर पर भी लिस्ट तैयार कर रहे हैं ता कि इन्हों पासपोर्ट इन्हों मोबाइल नंबर इन्हों प्लस होम एड्रैस जो परमानेंट आ क्योंकि पासपोर्ट के एड्रैस होंगे पुराने वो सारा कुछ मेनटेन किया जा रहा है उपरंत इन्हों भेजा जा रहा है तो कि आने वाले टाइम कोई परेशानी का सामना ना करना पवे। अच्छा नेबरिंग स्टेट्स जी है वो तो उन्होंने वाले जिन्हें भी नागरिक उन्होंने जा रहे हैं कुछ दूर स्टेट्स ने जो महाराष्ट्र या गुजरात ने या होर भी कोई स्टेट्स ने उन्होंने पंजाब सरकार को अपील की जिहड़े भी नागरिक साढ़े आ रहे हैं उन्होंने पहले तुम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दो हफ्ते बाद इधर रवाना कर दिए। इस संबंधी साढ़े मानयोग DC साहब अमृतसर तो शिव दुलार सिंह जी
उन्होंने एक बहुत वधिया उपराला किया, उन्होंने इतने क्वारंटाइन करने वास्ते एक सरकारी इमारत दे विच उन्होंने रहने का इंतजाम किया। जे कोई दूर दराडे का आएगा तो उन्होंने इतों पंजाब सरकार दी बसों में ले जा के उत्थे क्वारंटाइन किया जाएगा। पांच दिन का प्रोसैस हों, चौथे दिन उन्होंने टैसट लिया गया, पांचवें दिन उन्होंने रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट नैगेटिव है तो छेवें दिन उन्होंने रिलीज़ करके घर भेजी जाएगी। कुछ पाकिस्तान के नागरिक भी इतने फसे हुए थे, वो किन्ने जिहड़े सीगे नागरिक और वो भी भेजे जा चुके हैं पिछले दिन? नहीं, मोस्टली वो तो सारे जा चुके हैं जी। इस तो अलावा एक तीन मैंबर से उन्होंने बारे थोड़ा क्लीयर नहीं हो रहा, उन्होंने 12 तरीक दी जाना सीगा पाकिस्तान, पर आए 14 नूं, उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लीकेटड हो गया क्योंकि अंबैसी वालों अमृतसर इतने एयरपोर्ट इतने अटारी तो इस्लामाबाद साइड दोनों पासे उन्होंने एक मैसेज करना होता फैक्स जो दोनों पासे क्लीयर हो भी बाकी है बंदे इधर उधर जा रहे हैं वो बारे क्लीयर नहीं हो रहे, इस करके वो इधर फसे। पंजाब की गल की तो पंजाब के किन्ने नागरिक जो ने अज जे इतने इतों अटारी वाघा सरहद राही पाकिस्तान आ रहे हैं? देखो जी, जी 748 फिगर 36% जो पंजाब रिलेटड आ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जदों उन्हों की वारी आएगी एज़ पर सन्योरिटी वो बारे तो दस सकते हूँ नहीं, क्योंकि हूँ 402 तो जे एंड के दे है, उस तो बाद गुजरात आ फिर महाराष्ट्र आई तो वह स्टैप बाय स्टैप ज्यों ज्यों आई जाएंगे त्यों त्यों बारे क्लीयर होएगा जी। अज किन्ने लोगों की आने की गुंजाइश तुम देख रहे हो? तुम कहा कि कल 250 आने से पर 204 आए थे, 46 रह गए थे वापस, तो हूँ अज किन्ने लोग जोड़े ने बॉर्डर पार कर सकेंगे? देखो अप्रोक्सीमेट हूँ तक जी 200 के करीब जो क्लीयर हो गए साढ़े 0 लाइन तो इस तरफ आ चुके वा, कुछ परसन अजे उधर पेंडिंग आ, ज्यों ज्यों आई क्लीयर होंगे जाएंगे त्यों त्यों अभी तो बार बार तुम्हें बारे तुम अभी बाद क्लीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यन ASI अरुणपाल सिंह जेडे कि इतने बार्डर से इन्हें ड्यूटी लगी हुई है, जिन्हें भी बार्डर तो पार पाकिस्तान तो जोड़े लोग इतने आ रहे हैं भारतीय नागरिक उन्होंने सिक्योरिटी देख रहे हैं और हर काफले नाल सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया जा रहा। तुम दस दिए एक बार फिर दस दिए 748 लोग जोड़े ने भारतीय नागरिक ने जोड़े वो लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में फसे हुए सी, तो हूँ उन्होंने जो अपील की भारत सरकार को तो भारत सरकार वालों पहलकदमी की गई है, तो उन्होंने हूँ वापसी जो राह जो आसान किया जा रहा है और 25, 26 और 27 जून में यह टारगेट रखा गया, जिन्हें भी लोग उत्थे फसे हुए थे उन्होंने इन तिना दिन के अंदर भारत वापस लिया का टारगेट जरा फिक्स किया गया। बीते कल की गल की जाए तो 204 नागरिक जो जम्मू कश्मीर के लोग ने जोड़े कि वो अपने स्टेट वाल जोड़े परत चुके हैं, तो अज भी करीब करीब 250 के करीब लोग जोड़े ने वो इतने अज बार्डर क्रॉस करके भारत में पहुँच रहे हैं, तो हूँ जिन्हें भी लोग बाकी बचे ने वह भी कल जो आने वाला कल है उस दौरान इतने अटारी वाघा सरहद राही अपने अपने जी स्टेट में परतने। तुम दस दिए पंजाब सरकार वालों जड़िया नेबरिंग स्टेट्स ने उन्होंने जिन्हें भी नागरिक ने उन्होंने भिजवाया जा रहा उन्होंने जी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया गया, तो उस तो बाद जोड़े दूर दराड़ वाली स्टेट्स ने उन्होंने अपील तो पंजाब सरकार वालों इतने ही इन्हों इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है और एक हफ्ते बाद इन्हों जे टैसट लिते जाने जेकर वो टैसट नैगेटिव आने तो उन्होंने अगे रवाना किया जाएगा, नहीं तो इतने ही आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाना है। कैमरा परसन मुकेश बामना, सिकंदर पसीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अटारी। All World Open Challenge 17-time gold medalist Mia Rafiq Mohammed, Pandit Maulvi Begum Tantrik, inna chora thagga to saavdan, specialist Vashikaran, Sitta number, love marriage, pati patni ch anban, videsh ch pakka hona, karobar da na chalna, sirf 31 ghantiyan vich samadhan, free Mia Rafiq Mohammed, mobile 84374-94647, 84374-94648। दुख इस गल का नहीं सी कि मैंने छड़ के जा रही थी, दुख तो बस इस गल का सी कि इन्ने सालों तो आप सी पर मैं कदे अपने दिल दियां गल्लां नहीं उहदे नाल साझियां कर सकिया।